किस्मत के भरोसे कब तक अपनी जिंदगी बिताओगे? जब तक जुनून ना हो खुद में तो मंजिल से तो हार कर ही वापस आओगे। एक लक्ष्य बनाओ मन में, जी जान लगा दो उसको पाने में, मेहनत को अपना औजार बनाओ, ना कि बहानों से अपनी गलतियां छुपाओ। नमस्कार, आज मैं निधि गोयल आप सभी के समक्ष अपने विचार रखने जा रही हूँ, जिसका विषय जिंदगी एक खेल। और मैं स्कूल टीएनए डीन से धन्यवाद करना चाहूंगी कि उन्होंने मुझे यह मंच प्रदान किया। हम सभी की जिंदगी एक खेल ही तो है, जहां पर खिलाड़ी भी हम है, अंपायर भी तो हम ही हैं, तो इसमें हमारी हार कैसे हो सकती है? हमारी जिंदगी में ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो हमेशा के लिए हमारे पास रहे, ना रिश्ते, ना नाते, ना खुशियां, पर एक ऐसी चीज जो बिन बुलाए मेहमान की तरह हमारे पास आ जाती है, और वो है मुसीबतें। तो क्या हमें उन मुसीबतों से डर जाना चाहिए? जिंदगी वो नहीं जहां तक आपकी और मेरी सोच जाती है, जिंदगी अपनी सोच से बिल्कुल परे है। हमारी जिंदगी में कुछ ना कुछ समस्याएं तो आती रहती हैं। चलो मैं आपको जिंदगी का एक उदाहरण देती हूँ विद्यार्थी जीवन से संबंधित। तो कल्पना कीजिए, क्रिकेट का मैच चल रहा है, वो असल जिंदगी में कोई क्रिकेट का मैच नहीं बल्कि एक जिंदगी का खेल चल रहा है, जहां पर एक विद्यार्थी बल्लेबाजी कर रहा है। उसके पीछे कोई भी विकेट्स नहीं है, ना कोई फील्डर है, बस है तो सिर्फ उसके सामने जिंदगी, जो लगातार उसकी तरफ गेंदे फेंकती जा रही है, और उस विद्यार्थी को उन गेंदों को हिट करना है। अगर फिर भी वे गेंदे या फिर वे मौके, वो गेंदे वो मौके हैं जिन्हें उस विद्यार्थी को हिट करने हैं, अगर वे फिर भी उसे चूक जाते हैं तो वह क्या करेगा? दोस्तों, अगर वे मौके उस विद्यार्थी से या किसी भी आम इंसान से चूक भी जाते हैं, तो इसका मतलब यह थोड़ी ना कि जिंदगी के खेल से ही बाहर हो गया। जब तक वो अपनी मर्जी से जिंदगी रूपी मैदान को छोड़कर नहीं जाता ना, तब तक इस दुनिया में ऐसी कोई भी ताकत नहीं है जो उसको इस मैदान से बाहर कर सके। आज इस धरती पर दो तरह के लोग हैं, पहले जो अपनी जिंदगी के दांव पर दांव लगाते जा रहे हैं, अपनी मनोइच्छाओं को बढ़ाते जा रहे हैं और उनके पूरा न होने पर दुखी हो रहे हैं, और दुखी होने के बाद जो उनको सबसे पहला कदम उठाना पड़ता है वो है आत्महत्या। तो मेरा यह सवाल उन बच्चों से, क्या वे ये सही कर रहे हैं? अपने माता पिता जो उनके लिए उनके माता पिता जो उनके लिए इतना कुछ करते हैं, इतना संघर्ष करते हैं, क्या वो उनके साथ ये सही कर रहे हैं? और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो इस खेल को खेल की तरह खेल रहे हैं, जितना मिल रहा है, जो भी मिल रहा है, जैसा भी मिल रहा है, उसको बटोर रहे हैं और एक तरफ रखकर अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ रहे हैं। अगर दोस्तों आपको अपने जीवन में सफलता प्राप्त करनी है ना, तो सबसे पहले यहाँ पे आपके मन में जो जिंदगी को लेकर डर है ना, पहले उसे भगाओ और फिर अपने आत्मविश्वास के साथ अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ो। कितनी भी बड़ी से बड़ी समस्याएं क्यों ना आ जाए, उनको बड़ा मत बनाओ, उनसे बड़ा अपनी सोच को बनाओ, उनसे बड़ा अपनी सोच को बनाओ। हमारी जिंदगी एक खेल है, पर ये आप लोगों पे निर्भर करता है कि आप उसमें खिलौना बनकर रहना चाहते हो या एक खिलाड़ी। तो मैं अपनी इस लाइन का स्पष्टीकरण एक कहानी के माध्यम से देना चाहूंगी। तो यह कहानी है हैदराबाद की किरण कनौजिया के बारे में। एक दिन वे ट्रेन में सफर कर रही थी, कुछ लुटेरे आए, उनको ट्रेन से धक्का दे दिया, उनका पैर पटरी में फंस गया था और वो जो ट्रेन थी वो उनके पैर को कुचलकर चली गई। अगले दिन जब किरण को हॉस्पिटल में होश आया, तब उनको पता चला कि अब उनका एक पैर नहीं है। और दोस्तों एक ताज्जुब की बात देखिए, जिस दिन किरण के साथ वो हादसा हुआ वो कोई आम दिन नहीं बल्कि उनका जन्मदिन था। किरण इससे टूट जरूर गई थी, पर उन्होंने इससे हार नहीं मानी थी और उन्होंने एक कृत्रिम पैर लगवाया। डॉक्टरों ने उन्हें सलाह दी थी कि वो इस पैर के जरिए चल जरूर सकती है पर दौड़ नहीं सकती, पर फिर भी वे दौड़ी और अपनी जिंदगी की पटरी पर वापस गई। और आज हम भारतवासियों के वो एक बेस्ट ब्लेड रनर के नाम से जानी जाती है। निष्कर्ष रूप से मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी कि चाहे कितनी भी समस्याएं क्यों ना आ जाए, उनसे निराश नहीं होना है, ना ही उनसे डर कर भागना है, क्योंकि आप जितना उनसे भागोगे ये आपको उतना ही भगाएंगी। जिंदगी एक खेल है, इसमें हारना जरूरी नहीं है, ना ही इसमें जीतना जरूरी है। जिंदगी एक खेल है, ना ही इसमें हारना जरूरी है, ना ही इसमें जीतना जरूरी है, बस जरूरी है तो जिंदगी के इस खेल को खेलना।
धन्यवाद।